नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं दानिशन टाइम्स और हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की। और इस बार 8 और 9 सितंबर को किसान मेले का आयोजन करने जा रहा है। इस किसान मेले का जो थीम है वो ये होने वाला है कि जल संरक्षण को लेकर के इस पर बातचीत होगी और यही थीम इस बार मेले का रहने वाला है। इस मेले के मुख्य आकर्षण क्या रहने वाले हैं ये हम आपको अपनी इस खबर में बताने जा रहे हैं। तो खबर को विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इस बार ऑफलाइन माध्यम से 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। आगामी 8 और 9 सितंबर को विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 के सामने लुदास रोड पर किसान मेला लगेगा। मेले का मुख्य विषय जल संरक्षण होगा। मेले के शुभारंभ अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र मुख्य अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि दिनों दिन गिरते भूमिगत जल स्तर के संरक्षण के लिए केंद्र व राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। किसानों को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते इस बार किसान मेले का थीम जल संरक्षण रखा गया है, ताकि किसानों को जल की महत्ता से अवगत कराते हुए जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जा सके। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लगातार पिछले 2 सालों से ऑनलाइन माध्यम से किसान मेले का आयोजन किया गया था। इस बार किसानों की मांग को संज्ञान में लेते हुए एवं केंद्र व राज्य सरकार की कोरोना महामारी को लेकर जारी हिदायतों का पालन करते हुए मेले को परंपरागत तरीके से ऑफलाइन आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मेले के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेले में देश के विभिन्न राज्यों के किसान शामिल होंगे। इसके साथ ही किसानों को रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। रसायनों का प्रयोग मैं पहले ही कह चुका हूँ, उनका अत्यधिक प्रयोग नुकसानदायक है। किसान के घर पे जाके इस तरह की जानकारी मिल सके और उसी कड़ी के अंदर हर कृषि विज्ञान केंद्र में हमने क्योस्क एक मशीन है, यानी कि कंप्यूटर है, जहाँ पे किसान भाई हर फसल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। और जो विश्वविद्यालय के द्वारा सिफारिशशुदा कोई भी रसायन की मात्रा, उसका करने का तरीका, ये सब चीज़ें दी हुई होती है। अक्सर किसान भाई जब कोई भी समस्या आती है तो वो सीधे ही दुकानदार के पास जाकर दवाई खरीदने का प्रयास करता है, जिससे कई दवाइयां मिलाकर उसको दे दी जाती हैं और इसी के कारण कई बार दवाई की मात्रा ज़्यादा होने के कारण भी फसल पे दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी को रोकने के लिए इन गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसान अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग न करे और उसका शुद्ध लाभ बढ़े।